सो फ्रेंड्स, ये CGPDTM का प्री का पेपर है। 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद अब हो रहा है कंडक्ट। ठीक है, सो हम देख लेते हैं। 2 घंटे का पेपर होगा, इस बार भी 2 घंटे का है। ठीक है, और 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के, और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। ठीक है, 1/3 या 1/4, इसमें 1/3 दिए, पर वहाँ पे देख लेना इंस्ट्रक्शन में कि 1/3 है या फिर 1/4 है। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन आया हुआ है यहाँ पे, इसके देख लेते हैं क्वेश्चन। इफ़ दे केम, मतलब आपको फ्रेजल, करेक्ट फ्रेजल वर्ब फ्रेज मतलब यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, इफ़ दे केम वी डैश को, इफ़ दे केम वी वुड को। ठीक है, टेक दी स्टैम एंड डैश एट द थर्ड स्टॉप, टेक दी स्टैम एंड गेट ऑफ एट द थर्ड स्टॉप। ठीक है, आई एम फीलिंग डैश बेटर टूडे, आई एम फीलिंग क्वाइट बेटर टूडे। इफ़ ही हैड स्टडीड सीरियसली ही डैश द यूनिवर्सिटी, ही वुड हैव टॉप द यूनिवर्सिटी। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, अप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेज बताना है आपको। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग वी वर पुट थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस, वी वर सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग वी वर पुट थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस, द इंस्ट्रक्टर वुड थ्रो क्वेश्चन एट अस एंड वॉन्टेड अस टू आंसर देम इमीडिएटली, अ लॉट ऑफ मेंटल टर्मोइल आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग वी वर पुट थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस, द इंस्ट्रक्टर वुड थ्रो क्वेश्चन एट अस एंड वॉन्टेड अस टू आंसर देम इमीडिएटली, द इंस्ट्रक्टर वुड हर्ल क्वेश्चंस। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, वाइल द लाइन गेज्ड ऑन आर साइलेंट फेसिस वी ट्राई टू अवॉइड इट, वाइल द लाइन गेज्ड एट आर साइलेंट फेसिस। ठीक है, यहाँ पे वाइल द लाइन गेज्ड ऑन आर साइलेंट फेसिस वी ट्राई टू अवॉइड इट, आई न्यू मे बी वी वर स्केयर्ड फ्रॉम इट। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये आप कर लोगे, जस्ट रीड करना है। पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या पूछा है, फिर उसके बाद आपको RC रीड करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देन आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ओके, सो 5 क्वेश्चन है RC के, नहीं सो हाँ 5 हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स के लिए चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन विच देयर इज़ एन एरर, हिज हाउस इज़ बिसाइड्स द पोस्ट ऑफिस। तो देखो, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस होता है, बिसाइड्स होता है इन एडिशन टू और बिसाइड्स के साथ। ठीक है, तो हिज हाउस इज़ बिसाइड द पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्ट ऑफिस के साथ है, तो यहाँ पे एस नहीं लगना था, तो ऑप्शन बी में एरर है। ठीक है, द जज पार्डन हिम फॉर हिज रूडनेस, नो एरर। ईदर ऑफ दीज फोर बुक्स इज़ यूजफुल, ईदर ऑफ दीज फोर बुक्स, देखो 2 से ज़्यादा यहाँ पे बुक्स दी हुई है, तो ईदर का प्रयोग मतलब ईदर नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए में एरर है यहाँ पे। ही विल बेक अ केक टुडे इन द इवनिंग, नो एरर, करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे नियरेस्ट मीनिंग एंटाइस का बताना है, एंटाइस का मतलब टेम्प्ट। ठीक है, एंथुजियास्ट मतलब डिवोटी, रिनाउंड क्रिटिक या डिट्रैक्टर डिवोटी, एबडिकेट करना रिनाउंस करना, इम्पीड करना मतलब हिंडर करना। अब यहाँ पे अपोजिट मीनिंग बताने आपको, इंट्रडिक्ट करना मतलब प्रोहिबिट करना, इम्पेकेबल आई थिंक सिनफुल तो नहीं होगा इसका, स्वेल्ट का अपोजिट पता नहीं इसका, कैलुअस का भी नहीं मालूम, पता नहीं इसका, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स हाँ ये आ गया आपका रीअरेंजमेंट, यहाँ पे क्या दिया है, द फर्स्ट और लास्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस आर फिक्स्ड, मतलब S1 और S6 अपनी पोजीशन पे। ठीक है, आपको जो रेस्ट PQRS है उनको रीअरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो
इसका बाय ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हो सीधा सा, एट द एंड ऑफ लेक्चर फॉर स्पेयरिंग देयर वैल्यूएबल टाइम, ये तो आएगा नहीं पी पहले, ये तो कट कर दो इसको, ठीक है। आर आ सकते हैं क्या, एट द एंड ऑफ द लेक्चर एंड लिसनिंग टू हिम, ये भी नहीं आएगा। एट द एंड ऑफ द लेक्चर इन कमिंग टू मीटिंग, ये भी नहीं आएगा। तो डी आएगा, एट द एंड ऑफ द लेक्चर द स्पीकर थैंक द ऑडियंस फॉर स्पेयरिंग देयर वैल्यूएबल टाइम इन कमिंग टू द मीटिंग एंड लिसनिंग टू हिम, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी आएगा, इसको बाय ऑप्शन आपको करना है, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो यहाँ पे देखो आर ऑप्शन है, देखो द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अनाउंस दैट फाइनेंशियल असिस्टेंस वुड बी प्रोवाइडेड टू द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द डिजीज्ड फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, ठीक है। ऑप्शन ए आएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे ये भी आप देख लीजिएगा अब, ठीक है, इसी टाइप के हैं ये क्वेश्चन। अब आ गए आपके ये 30 क्वेश्चन थे आपके इंग्लिश के, ठीक है। अब आ गया आपका मैथ्स आ गया, यहाँ पे देखो ये वो ही आ गया पाइप और सिस्टर्न वाला। यहाँ पे बोले टैप एक्स और वाई कैन फिल कर रहे हैं टैंक को 5 और 6 घंटे में रिस्पेक्टिवली, टैप जेड कैन एम्प्टी कर रहा है इट इन 12 आवर्स में। इफ़ ऑल द 3 टैप्स आर ओपन टुगेदर देन इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फिल्ड। तो देखो जो फिल्ड करता है उसके लिए प्लस साइन करते हैं, जो एम्प्टी करता है उसके लिए माइनस। तो 1/5 प्लस 1/, क्योंकि एक पार्ट को कितने में करेगा वो 1/5 में, फिर 1/6 और माइनस 1/12। तो यहाँ से आपको एलसीएम उलसीएम लेके कर लीजिएगा इसको, ठीक है। पहले इसको इन दोनों को कर लो पहले सॉल्व। छः 5 11/30 माइनस 1/12, तो 12 2 24 12 3 36, देख लीजिएगा, मतलब ये आएगा इसका 1/5 प्लस 1/6 माइनस 1/12, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, ये बोट एंड स्टीम का है, इसको भी आप देख लीजिएगा फॉर्मूला लगा के पुट करके। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स यूनिट डिजिट बोले आपको ऑफ द नंबर ऑब्टेंड बाय मल्टीप्लाइंग इन नंबर को मल्टीप्लाई करके आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले यूनिट डिजिट एंड एंड वाले देखने आपने, तो 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × 7 × 8 × 9। तो देखो 2 × 1 = 2 × 3 = 6, 6 × 24 = 24 चार आएगा, फिर 6 × 24 फिर से 4 आएगा, फिर 7 × 28 8 आएगा, 8 × 64 4 आएगा, फिर 9 × 36 नहीं सॉरी गड़बड़ कर दिया कुछ, 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × 7 × 8 × 9। तो 1 × 2 × 3 × 6 6 × 24 फिर 6 × 4 = 28 8 × 8 = 64 9 × 4 = 36 हाँ 6 आएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, ये आपका डी आई दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है ए कॉस्मेटिक द एनुअल इनकम ऑफ कॉस्मेटिक कंपनी इज डिपिक्टेड बिलो बाय अ लाइन ग्राफ, ठीक है। एनुअल इनकम दी हुई है आपको लैक्स में, और ये ईयर दिए हुए हैं 2010 से लेकर 2017 में, ठीक है। सो यहाँ पे बोला व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंपनी फ्रॉम 2013 से 2014 में, कंपनी में कितना इंक्रीज आ रहा है। तो देखो 2013 में क्या डाटा है 40 है, और 2014 में कितना डाटा है 50 है। तो आपको परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, मतलब जो नेक्स्ट ईयर है बड़ा वाला वैल्यू, ठीक है, उससे और किससे कंपेयर करना है आपको पीछे वाले साल से, ठीक है।
तो 1/4 × 100 तो 25% आ जाएगा इसका, ठीक है। अब सॉरी 25% तो है ही नहीं, एक सेकेंड, परसेंटेज इंक्रीज। सो क्या दिया था फ्रेंड्स आपको, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है 2013 से 14 में। तो 13 में 40 था, 14 में 50 था, तो 50 से 40 गया 10 ओब्लिक, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 2013 से 2014 में। ना तो 2014 में कितना है 50, ठीक है, इंटू 100, 50 × 100 तो 20% आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ कंपनी फ्रॉम 2012 से 16 में, 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016 इनका आपको एवरेज निकालना है, तो वो आपकी इनकम आ जाएगी लैक्स में, ठीक है। बाकी यहाँ पे फ्रेंड्स ये नेक्स्ट टी आई है, यहाँ पे क्या लिखा है, 4 कैंडिडेट्स दिए हैं, ए बी सी डी अपियर्ड इन 5 सब्जेक्ट इन ए टेस्ट, द स्कोर आउट ऑफ 50 आर गिवन बिलो, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा है हु अमंग्स द 4 कैंडिडेट ऑब्टेन द हाईएस्ट ग्रेड स्कोर। तो देखो सीधा है, पहले इनका सम कर दो, ए का सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, 5 में कितना है, तो 5, 3 पहले यूनिट डिजिट को करो ना, 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 2, 2, 4, 4, 3, 7, 7, 4, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 162 आया, ठीक है। बी का कितना है, 6, 3, 9, 9, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2, 5, 4, 9, 10, 11, 11, 3, 14, 14, 15, 16, 166। सी में देखो 8, 1, 9, 9, 7, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22, 23, 24, 2, 4, 4, 3, 7, 7, 10, 10, 2, 12, 12, 4, 167। और डी का कितना है, 6, 6, 12, 13, 14, 15, 1, 1, 4, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 3, 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोले, हाईएस्ट एग्रीगेट स्कोर किसका है, बी का, ठीक है, तो बी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे बोले व्हाट इज़ द एग्रीगेट परसेंटेज स्कोर ऑब्टेंड बाय डी, जो आया था वो आपका जो आएगा, जो जैसे मान लो 166 जो भी आया था हमने, अभी मेरा डिलीट हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय, क्योंकि हर सब्जेक्ट 50 मार्क्स का है, तो 5 सब्जेक्ट हैं, तो 15 × 5, 250 में से होगा, ठीक है, इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 2, 5 से 10, 5, 5 से 25, और ये आ जाएगा आपका 6, 2 से 12, 6, 2 से 12, 13, और 3, 3, 32 / 5, 6, 5 = 30, 6, 5 = 66 ये तो मैंने अगर लिए 166 था, अगर आप देखेंगे डी का क्या स्कोर है तो आपको पता लग जाएगा कि क्या परसेंटेज आई आपके, ओके। बाकी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी पहले पढ़े हुए थे, देख लीजिएगा अगर आपको आते हैं इस टाइप के, तो कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले स्क्वायर रूट है, फिर अंदर क्यूब रूट है, तो इसको निकालना है आपको, ये वाला भी देख लीजिएगा। तो देखो फ्रेंड्स अब ये यूनिट डिजिट 13^2003 इसको कैसे निकालना है, सबसे पहले तो देखो 3 को 3^4 करते हैं जब हम, तो 3, 3 = 9, 9 = 27, 27 = 81 आता है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट आती है इसकी 1, ठीक है। वैसे ही अब हम अगर 13^4 करें तो हमारा यूनिट डिजिट मतलब 81 मतलब 1 आएगा, ठीक है। तो इसको जो मैं 2003 को कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, 13^4 × 500, 5 × 20, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2000 आ जाएगा मेरा। फिर यहाँ पे 13^3 ऐसे ब्रेक करके लिख सकती हूँ, ठीक है। अब इसका यूनिट डिजिट कितना आया था मेरा 1, और इसका कितना आएगा, 3, 3 = 9, 9 = 27, 7, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। सो इस तरह से आपको सॉल्व करना है इनको।
अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे है ना टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताने हैं आपको इसमें। तो सबसे पहले तो आपको इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टर है ना, प्राइम फैक्टर तभी हम कर सकते हैं जब ये प्राइम नंबर्स में इनको हम कन्वर्ट करें। तो 9 रेज़ टू द पावर 6, इसको मैं 3 के टर्म में लिख सकती हूँ, 3 3 9 × 6, ठीक है, ये 7 स्क्वायर आ जाएगा, और ये 2 2 4 4 2 8, 2 2 4 4 8, 16 16 32, 32 2 64, 2 रेज़ टू द पावर 6 × 4, और ये 5 रेज़ टू द पावर 5, ये ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा देखो 3 रेज़ टू द पावर 12 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 2 × 2 रेज़ टू द पावर 24 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 5। अब प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, आर एडिशंस होते हैं ये पावर ऑफ प्राइम नंबर्स का, ठीक है। वैसे प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो पावर होती है प्राइम नंबर्स की उनको हम ऐड करते हैं। तो 12 + 2 + 24 + 5, तो 12 2 14 14 5 19 19 और 24 9 4 13 2 3 4 43 आ जाएगा इसका आपका आंसर, ठीक है। सो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, अब क्या बोला है आपको, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 3 5 7 से जो डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो देखो 210 हो सकता है क्या, 200, हाँ 200 हो सकता है, 210 जो है 3 से हो जाएगा, हाँ 3 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा और 7 से भी हो जाएगा, 210 लग रहा है मुझे, क्योंकि ये तो होगा नहीं, 840 तो नहीं है कहीं, लार्जेस्ट नंबर बोला है ना, 840, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 8 3 24, हाँ 3 से भी कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 5 5 6 7 8 6 8 5 40 और 7 से कट जाएगा क्या, हाँ ये आएगा फ्रेंड्स आपका 840 आएगा इसका, सॉरी लार्जेस्ट नंबर बोला ना 840, ठीक है। अब फ्रेंड्स आगे क्या बोला है, HCF ऑफ 2 नंबर इज 6 एंड देयर LCM इज 840, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 120 देन, आपको पता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो यहाँ पे देखो LCM कितना दिया आपको 840, HCF दिया आपके पास 6, एक नंबर मान लो X ले लो, X दिया आपको 120, तो आपको दूसरा नंबर Y निकालना है, ठीक है, तो 120 को उधर ले जाओ, ठीक है, तो 12 7 84 7 6 42, तो वाई की वैल्यू होगी 42, तो सेकेंड नंबर हमारा 42 आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये दिया है देखो आपको वैल्यू, तो आपको इसको देख के कुछ समझ आ रहा है, ठीक है, फॉर्मूला याद आ रहा है, a³ - b³ का क्या होता है, a - b (a²) + ab + b², ठीक है। सो यहाँ पे आपको a² + ab + b² दिए, और ऊपर जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारा a - b, मतलब 0.86 - 0.1, तो माइनस कर दिया, 6 8 से 7, 0.76 हमारा आंसर आ गया। देखो फॉर्मूला याद है आपको तो कितना इजीली ये क्वेश्चन हमने टैकल कर लिया, ठीक है, अगर याद नहीं होता तो आप सॉल्व करते रहते। ये पता नहीं फ्रेंड्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाला काफ़ी टाइम पहले क्या हुआ था, अब याद नहीं है, अगर आपको आता है तो सॉल्व कर लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया है, 1 कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। आपको पता है जो ताश के पत्ते होते हैं कितने होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स का पैक होता है, ठीक है। इफ़ ईच आउटकम इज़ इक्वली लाइकली, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट 1 कार्ड विल बी हार्ट। आपको पता है देखो हार्ट होता है उसमें है ना ऐसे शेप का, और एक आपका क्या होता है स्पेड होता है, चिड़ी जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, एक आपका डायमंड होता है,
ठीक है ऐसे, और हार्ट स्टेट डायमंड, और एक और बच गया वो पान का पत्ता, क्या बोलते हैं उसको याद नहीं आ रहा, ठीक है वो होते हैं, तो ये चार पत्ते होते हैं ठीक है। आपको बोला हार्ट के, तो 13 13 पत्ते चारों के होते हैं ठीक है। तो आपको 52 कार्ड्स में से बोला है दैट द कार्ड विल बी हार्ट, हार्ट के कितने, 13, तो 13 1 13 13 4 52, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आपको नेक्स्ट क्या बोला है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो टोटल पॉपुलेशन जो है सिटी की 40,000 दी है, द वेरी सेक्शंस ऑफ देम आर इंडिकेटेड बिलो इन द सर्कल, ये डिग्री में दिया हुआ है आपको। आपको पता है 100% इक्वल टू 360 डिग्री होता है, तो आपको एक डिग्री निकालना है तो 100 इंटू सॉरी हाँ 100% इक्वल टू 360 डिग्री ठीक है। सो ये पूरा सर्कल। अब यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, ये 1 दिया है आपको एम्प्लॉयज़ हैं पब्लिक सेक्टर में, जो ये दिया है 2 ये एम्प्लॉयज़ इन प्राइवेट सेक्टर में, जो 3 दिए वो दिए एम्प्लॉयज़ इन कॉर्पोरेट सेक्टर में 54 डिग्री, और 4 में दिए आपको 28 डिग्री जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, और 5 में आपको 8 डिग्री दिए जो कि अनएम्प्लॉयड है। अब आपको बोला नंबर ऑफ पर्सन जो कि एम्प्लॉयड हैं प्राइवेट सेक्टर में वो कितने हैं, प्राइवेट सेक्टर में देखो 2 में आ रहा है ना प्राइवेट सेक्टर, 112 डिग्री है तो डिवाइडेड बाय 360 कर देंगे ठीक है, इंटू 40,000 मतलब 40K, क्योंकि टोटल वैल्यू पॉपुलेशन इतनी है। तो देखो इसको काट दो, 5 2 10 6 2 12 और 18 2 36, फिर उसके बाद 9 2 18 0, 2 2 4 8 2 16, उसके बाद 14 2 28 4 2 8 5 2 10, तो इसको काट कूट के जो भी आएगा आपका वो आंसर आ जाएगा ठीक है। मतलब समझ आ गया ना आपको कैसे करना है, बाकी तो आप वो तो कर ही सकते हो। ये देखो ये भी 10+1+2 में पड़े हुए ये क्वेश्चन, अभी याद भी नहीं आ रहे क्या हैं। इस टाइप के आपको SSC में ज़रूर मिलेंगे। ये इस बार का मतलब पता है आपको क्या है, 1.2 बार, इसका मतलब होता है कि 2 2 2 2 2 आगे इनफाइनाइट टाइम्स हैं ठीक है। 1.3 बार है तो मतलब 3 3 3 3 3 है इनफाइनाइट टाइम्स ठीक है। तो आपको यहाँ पे बोला इन दोनों का सम क्या होगा, 1+2 1+3 तो 3 2 5, तो 2 सॉरी ऐसे नहीं होगा, ये 2 तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले 1+1 को करेंगे 2 पॉइंट, उसके बाद 5 5 5 5 5 5 ठीक है। ये भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू पुट करके आ जाएगा ये भी आपका। ये देखो फ्रेंड्स आपको क्या दिया है, एक कूलर दिया है जो कि जिसको सोल्ड किया जा रहा है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट पे, 20% 10% और 5% पे। इफ़ MRP ऑफ कूलर इज इतना तो सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, तो MRP दिया आपको 5,000, तो 20% का डिस्काउंट है मतलब बेच रहा कितना का होगा 80% का ठीक है। 10% का डिस्काउंट दे रहा मतलब 100 में से 10 के 90% का बेच रहा होगा, उसके बाद 5% का डिस्काउंट दे रहा मतलब 95% का बेच रहा होगा ठीक है। तो ये काट के ये 0 से 0 और 0 से 0 0 से 0 50 2 100 2 4 2 8 तो 9 4 36 इंटू 95
तो ये कितना आ जाएगा आपका, 6 5 30, 15 9 6 54 और 3 5 9 10 11 12, 5 6 7, तो 39 28 29 30 31 32 33 34, 3 4 2 0 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। ये भी आप लोग देख लीजिएगा किस टाइप से करना है इसको, लॉग एक्स वाले इसका भी कुछ फंडा था। ठीक है, इस टाइप के भी आपको एसएससी वगैरह में आते हैं। ये भी इजी होता है फ्रेंड्स, प्लस का मतलब डिवाइड, माइनस है, माइनस का मतलब ये है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, डायग्राम वाले एसएससी में आते हैं इस टाइप के, इसमें भी पूछे जाते हैं, क्योंकि 2018 का पेपर है ना। सो देखो, सारे ऊपर को मुंह है ना, ये जो ये ट्रायंगल है, तो ये कैसे बनेगा, ऐसे को बनेगा और ऐसे आना चाहिए आपका, ऐसे को और ऐसे, ये वाला ऑप्शन भी आएगा इसका। ठीक है, अब है पिजन बर्ड डॉग, तो देखो बर्ड है, बर्ड के अंदर पिजन आएगा, डॉग अलग होगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका करेक्ट। अब देखो ये चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर मिसिंग फिगर, पहले ऐसे जा रहा है एरो, ठीक है, फिर ये वाला एरो आगे गया, फिर कहाँ गए, फिर आगे इधर, फिर चौथे में आएगा, पता नहीं फ्रेंड, देख लीजिएगा। ये फाइंड द मिसिंग नंबर, एक ये आया हुआ था देखो, मिरर इमेज इसका, मतलब मिरर इमेज क्या होता है, उल्टा दिखता है, ठीक है, मिरर में रिवर्स, तो इसका क्या आएगा, ये ऐसे कोनों पर, तो ये नीचे को ऐसे दिखेगा उल्टा, ऐसी आंखें, ये नाक उधर को है, तो ये नाक उल्टा दिखेगा, एल है मतलब ऐसे को, तो मिरर इमेज में ऐसे दिखेगा और ऐसे, ठीक है। ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट। ठीक है, अब ये देखो, अब आ गए आपके, ये थे क्वांट के क्वेश्चन, अब उसके बाद रीजनिंग आ गई आपकी, ये है ना बीच में, पीस फादर ऑफ आर आर इज सन ऑफ ए, ये भी आप कर लोगे, इजी है। मिसिंग नंबर बताना है आपको, देखो क्या किया है, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 12 25, फिर 9 से 5 क्या 4, 4 से 2 क्या 2, पता लग रहा है आपको, 6 2 12, 12 2 24, फिर 24 2 48 आना चाहिए, +48, तो 8 9 और 8 17, 4 4 8 और 1 9 97, यस। उसके बाद 97 के बाद आगे 48 दुनी 8 दुनी 16 14 96, तो
तो 97 और 96 के नेंगे साथ 6 13 9 9 18 19 193 आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, बहुत ही इजी है, पजल है, कर सकते हैं आप। अब ये है देखो, ये भी आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड डायग्राम वाले। इसमें पता नहीं कितने ट्रायंगल्स हैं, उनकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। चार तीन सात आठ नौ दस, दस दस बीस, दस दस तीस, नहीं ऐसे नहीं आएगा। पता नहीं कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इसको भी देखना पड़ेगा कि कैसे करते हैं सॉल्व इनको। अगर आपको आता है तो प्लीज़ बताइएगा। सिलॉग्स हैं, कर लोगे, बहुत इजी है। कह दिया है ऑल फ्रूट्स ट्रीज हैं, फ्रूट्स, ठीक है, ऑल फ्रूट्स ट्रीज हैं, कोई भी फ्लावर ट्री नहीं है। फ्लावर को मैंने एफ एल से डिनोट, कोई भी फ्लावर ट्री नहीं है। तो आपको क्या बोला कंक्लूजन में, कोई भी फ्लावर फ्रूट नहीं है, कोई भी फ्लावर फ्रूट नहीं है। यस, जब बाहर से नहीं जा सकता तो अंदर कैसे जाएगा, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। अब बोले सम ट्रीज आर फ्रूट्स, कुछ ट्रीज फ्रूट्स हैं। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, इतनी ज़ोर की बारिश लग रही है ना, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। HP में ना फ्रेंड्स इस बार बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मतलब तो ख़तरनाक डर ही लगता है बारिश हो जाए रात को ऐसे। बहुत ही प्लीज़ प्रे कीजिए कि HP सेफ रहे। बहुत से लोग मर गए हैं, बहुत से लोगों के घर चले गए हैं, कितने घरों को खाली कर दिए फ्रेंड्स, शिफ्ट करना पड़ा है उनको, बेचारे लोग रेंट लेके रह रहे हैं। तो बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन हो गई है, और ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इस बार पहली बार हुआ कि ऐसा फ्लड, इतना ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। सो प्लीज़ प्रे फॉर HP, ठीक है। चलो, हम क्वेश्चन कर रहे थे कहाँ पहुँचे, सम ट्रीज आर फ्रूट्स, कुछ ट्रीज फ्रूट्स हैं। यस, कुछ ट्रीज फ्रूट्स हैं, तो दोनों करेक्ट आएगा, बोथ 1 और 2 करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी आएगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, रवि सेलिब्रेट, रवि वॉज बॉर्न ऑन 26 अक्टूबर 2004 ट्यूसडे को, ऑन विच डे ही वुड सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन, तो 26 अक्टूबर 2010 को कौन सा दिन आएगा। तो देखो, 2004 से 2010 टोटल कितने हैं, 6 ईयर, ठीक है। अब 2004 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसमें देखो जो 2008 है ना फ्रेंड्स, वो हमारा लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर है। तो बाकी सारे हमारे तो 5 ईयर हैं प्लस 1 ईयर, 1 लीप ईयर है। तो 5 × 365 डेज और 1 लीप ईयर है उसमें 366 डेज, ठीक है। तो 365, 5 को मैं 10/2 लिख सकती हूँ, ठीक है। 18 × 36 × 2 × 4 × 5 × 10, तो 1825 और 366, तो ऐड कर दो 6 5 11 6 6 5 11 6 2 8 और 1 9 8 10 11 2 1 9 1। अब इसको मैं जब 7 से डिवाइड करूँगी तो 7 21, 7 7 7 1 3 13, वीक आए, ठीक है। पता नहीं फ्रेंड, ऐसे कुछ होता था, 313 वीक का है ना, उसके आगे भी कुछ होता था, मेरे को मेथड याद नहीं रहा है, देखना पड़ेगा इसको। इसका मैं आपको कल बता दूंगी, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ये वाले भी बॉक्स वाले अपोजिट क्या है,
इस टाइप के ना बैंकिंग में नहीं आते एक्चुअली, इस टाइप के ना एसएससी में आते। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए एग्ज़ाम थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। बाकी इजी इजी है फ्रेंड्स, बाकी देख लीजिएगा। देखो एक ये बता देती हूँ, हाउ मैनी पेन्स आर ब्लू। अच्छा ये ब्लैक के लिए बता रहा है ना, ये पेन बता रहा है आपका, और ये ब्लू, तो आपको बोले कितने पेन्स जो हैं वो ब्लू हैं, तो चार ही आ रहा है इधर, ठीक है चार है। चार और 19 है ना, तो 9, 10, 11, 12, 13, 23 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया डायग्राम में, ऑड वाला आपको फाइंड करना है, ऑड वन आउट। तो इसमें इधर जा रहा है एक सर्कल है, फिर दो इधर आ रहा है, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, ये टू वाले फ्रेंड सारे इधर इधर जा रहे हैं, ये वाला इधर को आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो विच पार्ट रिप्रेजेंट, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया मुझसे तो सॉरी, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताना, ठीक है। विच पार्ट रिप्रेजेंट प्लेयर्स बॉयज हु आर विलेजर्स। देखो प्लेयर्स दिए आपको ट्रायंगल, बॉयज दिए सर्कल, और विलेजर्स दिए स्क्वायर, ठीक है। तो आपको बोला है विच पार्ट रिप्रेजेंट प्लेयर्स बॉयज, प्लेयर्स बॉयज जो कि विलेजर्स हैं, प्लेयर्स बॉयज जो कि विलेजर्स हैं, सी, ठीक है। अभी देखो ये जो इस टाइप की सीरीज़ होती है ना फ्रेंड्स, इसे ब्रेक करके लिखना होता है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है, तो अगर 4, 4, 4, 8, 4, 4, 12 का मैं ब्रेक करके देखूं, तो सी डैश ए बी, उसके बाद कॉमा, फिर सी ए डैश बी, कॉमा, फिर सी डैश ए बी डैश। देखो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ सी ए ए बी, सी ए ए बी, सी ए ए बी, उसके बाद सी आएगा, तो मतलब ए ए ए और सी, ए ए ए, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ब्राइटेस्ट स्टार जो है इन द स्काई फॉर द अर्थ इज क्या होता है, सीरियस स्टार होता है, ठीक है। इंसुलिन जो होता है वो सीक्रेट होता है फ्रेंड्स आपका पेनक्रियास से, ठीक है। आगे आपके जनरल साइंस के आगे क्वेश्चन, जो न्यूक्लियस होता है ना हीलियम एटम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है। सो ये दो प्रोटॉन्स होते हैं इसमें और दो ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ये आपका बताना है टेट्रासाइनो इथाइलिन मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। तो देखो ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, इसमें दो पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं,
और यहाँ पे एक पाई और एक सिग्मा डबल बॉन्ड में ना। तो पाई बॉन्ड कितने होंगे देखो, 2 तो 4 5 6, 2 2 4 5 6 7 8 और 1 9, 9 पाई बॉन्ड हो गए। और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 1 2 1 2 3 4 5 ना 6 7 8 9, हाँ 9 ही आपके सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा इसका करेक्ट। ये +1 +2 में पड़े हैं, पर कुछ कुछ याद हैं जो जो आ रहे हैं। और सब्लिमेशन आई थिंक आपका नेप्थलीन में होता है, ठीक है। और ये आप लोग देख लीजिएगा, अभी याद नहीं आ रहे मेरे को ये इनकी जो करेक्ट ऑर्डर है रेडियाई का। बिग बैंग जो थ्योरी है ना फ्रेंड्स, वो आपकी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कब पहुंचा था मून में फॉर द फर्स्ट टाइम, जुलाई 1969 को। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था इन द स्पोर्ट्स ऑफ जेवलिन थ्रो में ड्यूरिंग एशियन गेम 2018। और 7 अगस्त को हम जेवलिन थ्रो डे भी मनाते हैं फ्रेंड्स, और नेशनल हैंडलूम डे भी मनाते हैं। जो सुल्तान अजलन शाह कप है ना, ये हॉकी से रिलेटेड है। आई थिंक मलेशिया इज़ नॉट द मेम्बर ऑफ बिमस्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। क्लीनेस्ट सिटी जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में रही थी, आई थिंक इंदौर मध्य प्रदेश रही थी। इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है ना, बोगीबिली असम में फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र रिवर में। सत्याग्रह से स्वच्छता ये कैंपेन आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का है। कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा टू प्रमोट इनोवेशन, सेंट्रल इंडस्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्लोबल इनोवेशन प्रोग्राम, अटल न्यू इंडिया चैलेंज प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका। जो एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं ना बीपीएल फैमिलीज को, वो क्या उज्ज्वला योजना है आपकी। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पे। इंडिया का फर्स्ट मैंड मिशन कौन सा, गगनयान 2022 में।
सो फ्रेंड्स, ये थे आपके 2018 का CGPDTM का प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। 30 सितंबर को पेपर हुआ था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इससे रिलेटेड मैं और क्वेश्चन लाऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब। गुड नाइट।